अच्छा जी हाँ मैं पहचान गया वारस ने ओके जी ओके अज असी पटियाले तो एक बड़ी टीम लैके सरदार नवजोत सिंह सिद्धू होरां दे इस हल्के विच अमृतसर ईस्ट विच उन्हां दे वास्ते लोकां दे नाल एक संवाद रचाण आए हैगे हैं क्योंकि साडा सानूं एहसास है मेरा मैं डॉक्टर धर्मवीर गांधी हैं मैं पटियाले तो साबका मैंबर पार्लीमेंट हैगा तो अमृतसर मैडिकल कॉलेज का प्रोडक्ट है मैं इत्थों दा सन 75-76 MBBS की सीगी उस तो पंजाब के अलग अलग इलाकों सेवा कर तो बाद मैं पटियाले सैटल्ड हैगा है मैं सिद्धू होरां नूं मैं पंजाब की राजनीति नूं ते खास तौर पर पिछले 15 साल की राजनीति का बहुत नेड़ियों तकिया हैगा है पिछले 20 सालों जो पंजाब का आर्थिक निगार होया राजनीतिक निगार होया सभ्याचारक निगार होया और जो पंजाब का जो हशर होया मैं उसका चश्मदीद गवाह हैगा है वो पंजाब जिहड़ा हिंदुस्तान के सिर का सरताज सीगा सिर दी कलगी सीगी वो पंजाब कुछ एक लोगों ने कुछ एक सियासी खानदाना ने कुछ एक पार्टियां ने उसनों लुटिया कुटिया चट्टिया चूंडिया और इस हाल तक पहुँचाता कि अज पंजाब साडा जिहड़ा किस वेले हिंदुस्तान एक नंबर पर हुंदा सीगा अज तिल के 26वें नंबर पर चला गया अलग अलग मनुखी विकास के मापदंडों के उत्ते होया क्यों हैगा है इसके दो कारण ने एक तो जो केंद्र सरकार का जो पंजाब प्रति नजरिया रहा एक वितकरे वाला धक्के वाला एक बेइंसाफी वाला एक उसका कारण यह हैगा उसका वड्डा कारण दूजा वड्डा कारण हैगा कि पंजाब जो राज करदा पार्टियां रही ने खास तौर पर अकाली दल तो उस तो बाद जी पिछले 4.5 साल की जी जी कैपिटल की कांग्रेस है जिन्होंने मोदी कांग्रेस कहता हैगा जो उसका राज रहा जो उस अरसे दौरान पंजाब के हर खेत्र को आर्थिक गतिविधि का कोई खेत्र होवे चाहे वह खनन होवे चाहे वह ट्रांसपोर्ट होवे चाहे वह शराब का कारोबार होवे चाहे नशे का कारोबार होवे चाहे केबल का कारोबार होवे चाहे वह दूजे अलग रेता बजरी का कारोबार होवे सारे के उत्ते एक माफिया जिहड़ा कि हर पार्टी हाजिर हैगा है उस माफिए दे ने पंजाब की आर्थिकता नूं नागवाल पाया होया सप्प वांगू सप्प वांगू वलिया होया हैगा ते पंजाब नूं रसातल विच धक दित्ता हैगा है तो उहदा एक कारण जिहड़ा मशहूर सब तो वड्डा कारण है वह माफिया राज हैगा मैं डॉक्टर धर्मवीर गांधी अपने इष्ट नूं हाजिर नाजर मन के इष्ट मेरा डॉक्टरी हैगा है मैं थोड़े सामने ऐलान करदा मैं तस्लीम करदा हैगा कि पिछले लंबे अरसे तो मैं पंजाब की राजनीति विच अजिहा व्यक्ति जिदी इन्नी लगातारता दृढ़ता और निश्चा और कुछ करन दी जिहड़ी अग हैगी है वो किसी व्यक्ति ना मैनू किसी सियासी पार्टी नज़र आई हैगी है तो ना मैनू किसी सियासी व्यक्ति नज़र आई है जो अग सरदार नवजोत सिंह सिद्धू के बीच मैनू दिखी हैगी है जिस करके असीं तड़के 5:30 बजे चल के दो कारां दा काफला लैके अज तुहाडे हल्के विच आए हैगे है देखो पंजाब सरप्लस सूबा सीगा पंजाब की खुशहाली की चर्चा जसवानी सेहत की चर्चा सारी दुनिया में सी पर आज जो पंजाब की जसवानी सेहत बारे चर्चा जो नैगेटिव चर्चा कि पंजाब निशेड़ी पंजाब हैगा खुदकशियां करता पंजाब हैगा है बाहर नूं भजदा पंजाब हैगा है किसान दी मंदहाली वाला पंजाब हैगा है विद्या सेहत पछड़ा पंजाब हैगा ये किने कीता हैगा तुसीं भली भांत जानदे हो किन्हां ने इत्थे नशे का कारोबार वधाया हैगा किन्हां ने इत्थे लुटदा तंत्र कायम कीता है किन्हां ने जो जिन्ने साडे कुदरती स्रोत सीगे चाहे रेता दी खड्डा सीगियां चाहे शराब का कारोबार सीगा चाहे वह ट्रांसपोर्ट से भी जितों पैसा इकट्ठा होकर खजाने जाना सीगा जितों रुजगार निकलना सी विद्या निकलनी सेहत निकलनी सी किसानी संकट हल होना सीगा वह सारे उत्ते कब्जा करके वह सारे जिहड़े मूँह सीगे अपने कुछ एक चंद एक सियासी टब्बरां ने तो चंद एक होर तरहाडा ने अपने मूँह वाल कर रहे हैं है, जिस दे बाद लगातार सिद्धू साहब भी तो मैं भी असं लगातार ध्यान दवाते आ रहे हैं लड़ते आ रहे हैं है, और वो लड़ाई अ शिखर से हैगी है और लड़ाई में सिद्धू साहब को चुनौती देने लई और सिद्धू साहब की सियासी घेराबंदी करने लई इन्हों सियासी तौर पर खत्म करने लई अज इतने आके डेरे ला ले है उन्होंने लोगों ने जिन्हें पंजाब की बर्बादी वास्ते जिम्मेवार ने है सो इस करके असी इस मकसद आए है दूजा जिहड़ा सिद्धू साहब ना मेरी सांझ हैगी है मैं कांग्रेस पार्टी का मैंबर नहीं हैगा है
ना मैं कांग्रेस पार्टी को कुछ लेना हैगा ना मेरी कोई इच्छा हैगी। मैं 72वां साल लग्या होया मैं अपने डॉक्टरी विचों अपने किते विच पूरा तृप्त हाँ आई एम फुल ऑफ लाइफ। मैं कुछ नहीं चाहिए हैगा। मैं जे आया हैगा तो नंबर एक सिद्धू साहब की इस उस दृढ़ता उस विश्वास उस नेचे तो उस लगातारता देख के आया जो दिल च अग है पंजाब वास्ते जो जो एक पीड़ा पंजाब वास्ते जो पंजाब वास्ते करन दी एक तांग हैगी है उन्होंने हल्लाशेरी देना आया हैगा। तो इस हल्के के वोटरों भी अपील करना है कि तुहाडे पंजाब का अगला भविख हैगा ये तुहाडे हत्थां विच है। तुसीं लिखणा पंजाब का अगला भविख तुसीं लिखणी पंजाब की अगली गाथा वो गाथा सिद्धू साहब राही लिखी जानी चाहिए हैगी है। इन्हां राही अगे गल तुरनी चाहिए है। सही बंदा थोड़ी थोड़ा चुनना थोड़ा फर्ज बनता है। एक मेरी बेनती हैगी है। दूजी मेरी बेनती हैगी है सिद्धू साहब मेरी दूजी सांझ हैगी है। मैं शुरू तो इस गल का मदेई रहा कि सानू जिहड़ी पंजाब की तरक्की का एक रस्ता हैगा है पंजाब के विकास का पंजाब के मंदहाली निकलने का पंजाब की खुशहाली का एक रास्ता जिहड़ा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कोरीडोर है ग्वादर सी पोर्ट से पहुँच के उत्थों अगे सेंट्रल एशिया ते मध्य पूर्व के मुल्कों का साडा व्यापार जिहड़ा साडा कदे हुंदा सीगा। एवें नहीं कहावत बनी हुई कि जो सुख सज्जू दे चवारे सो बलख ना बखारे। साडा बलख व्यापार हुंदा सीगा। पंजाब बड़ा खुशहाल सूबा सीगा दुनिया की महानतम कौमां साडी कौम सीगी। सो साडा जिहड़ा व्यापार खत्म कर दिता गया सिद्धू साहब जिक्र करते हैं कि भाई अडानी बंदरगाह तो व्यापार जिन्ना मर्जी कर लो क्योंकि तो मीना व्यापार हैगा जिते साडे गरीबों का व्यापार है पंजाब का व्यापार है जिते पंजाब ने खुशहाली होनी है वह व्यापार साडा बॉर्डर बंद किया तो 35 किलोमीटर साडा बाघा बॉर्डर हैगा। साडी मंग हैगी है अमृतसर के व्यापारी इन्ना अमृतसर आज़ादी तो पहला उत्तरी भारत का सब तो वड्डा व्यापार केंद्र हुंदा सीगा। कारण सेगा प्रोक्सीमिटी टू पाकिस्तान थ्रू पाकिस्तान टू अफगानिस्तान एंड दैन टू मिडल ईस्ट एंड ऑल दोस उज़्बेकिस्तान कजाकिस्तान सिल्कर रूट सेगा। वो रूट जानबूझ के केंद्र सरकार इतों जो हाकम ने उन्होंने उस बार कभी तवज्जो नहीं दी कभी आवाज़ नहीं उठाई हैगी है। सिद्धू साहब एक अजिही शख्सियत हैगी है। मैं उन्हें अपने शामिल करता मैं एक अजिहा व्यक्ति हैगा जिहड़ा लगातार पाकिस्तान ना अमन दोस्ती शांति व्यापार की गल करता जे इफ यू गो अक्रॉस द बॉर्डर थोड़ा लोग जफिया पाते हैं थोड़े मत्थे चुमते हैं कोई चीज़ और थोड़े को पैसे नहीं लेंगे इवें इस पास साढ़े पाकिस्तान साढ़े भारत में हैगा जिहड़ा पूर्वी पाकिस्तान है। सो साडा जिहड़ा पछ्छमी पाकिस्तान है और पूर्वी पाकिस्तान है जिहड़ा जिहड़ा कि मतलब एक राज हुंदा सी किसी वेले अज सियासी कारण करके वंडिया पिया है। मैं नहीं कहता वंड कल नूं खत्म हो जाऊगी पर घट्टो घट शांति का माहौल बना के व्यापार तो शुरू किया जाए लोगों का आदान प्रदान तो शुरू किया जाए ताकि दोनों पंजाबों की दोनों हिंदुस्तान पाकिस्तान के एक दोनों पंजाबों के हित च नहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान के भी हित में हैगा कि जी हथियार की दौड़ है खत्म करके वो पैसा लोगों की भलाई विद्या सेहत रुजगार वाल लाया जाए ताकि दोनों गरीब मुल्क गरीबी की भट्ठी चो निकल के एक खुशहाल जिंदगी पच्छी मुल्कों वाग वो बतीत कर सकन। सो इन्ना जो गल् है सारी सांझ हैगी है वो सांझ न मैं परिपक् करने वास्ते वो साइंसपति अपना फर्ज निभाण वास्ते अपने भरा वास्ते मैं थोड़े हक झोली अड्डाया है कि जे तुम चाहते हो कि पंजाब सुनहरी हत्थां जाए सुनखे हत्थां जाए तंदुरुस्त हत्थां जाए एक सोहना सुनखा पंजाब गुरुआ प्रीत धरती वाला पंजाब बने पंजाब के सिर पर मुड़ के कलगी सजे जिसका हकदार सेगा जी कलगी अज खो ले गई हैगी है ला दी गई हैगी है। तो आओ आप सही सियासत का पल्ला फड़ीए सही सियासत को लैके अगे तुरीए सही बंद जिता के सिद्धू साहब ने जिता के खास तौर पर असैम्बली भेजिए जो पंजाब का जो रुतबा हैगा मुड़ के बहाल किया जा सके और असी सुरक्षा गुरुआ पीर की धरती वाला पंजाब सर्व साल सर्व सांझी वालता वाला पंजाब मानक जा सब एको पहचानों वाला पंजाब सब का साझा पंजाब पंजाब की की गल करनी है। जेड़े लोग इतने गल् करते हैं कि फलाना मुख्यमंत्री हिंदू नहीं बनाया सिख नहीं बनाया फलाना नहीं बनाया है जेड़े लोग इतने आके किसी इलाके तिरंगा यात्रा करते हैं तो किसी इलाके नहीं करते जे पाड़े पाए जा रहे हैं पठानकोट गंगानगर जी दीनानगर बेल्ट है उत्ते एक नीति हैगी है बड़े शहरों दूजी नीति हैगी है पिंडा तीजी नीति हैगी जो दिल्ली वाले करते पे है ये बहुत छोटी राजनीति है। पंजाब वो पंजाब है जिसमें सिखा की आबादी 18% सी मुसलमान 34% से हिंदू मुसलमान 47% से हिंदू 34% से साढ़े राज से महाराज रणजीत सिंह कभी सवाल नहीं उठा सी कौन राजा कौन नहीं है ये पंजाब से है पंजाब है और ये पंजाब इवें रहेगा शर्त है कि पंजाब की बागडोर हैगी वो लुटेरे हाथ ना हो माफिया को ना हो पंजाब दुश्मन को ना हो दुश्मन चाहे दिल्ली वाले हो चाहे पंजाब के होन उन्होंने भगा के मारना उन्होंने धरती तो दफा करना सारा सब का फर्ज है और सब तो वड्डा फर्ज अज अमृतसर जिहड़ा ईस्ट हैगा उहदे जो लोग ने
उन्हों का बनता है कि सिद्धू वर्गे ईमानदार शख्सियत न जे कल ईमानदार नहीं एक दृढ़ नेचे वाले शख्सियत हैगी है जिन्हें क्षमता हैगी है कपैसिटी हैगी है लड़न की भिड़न की आपा मारन की कुरबानी करन की उन्होंने उन्होंने आप उन्होंने आप कामयाब करिए जो एक सुनखा पंजाब जीवन योगा पंजाब असं बना सकी बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी थैंक यू। हाँ जी बिल्कुल जी हाँ जी सर हाँ जी सर हाँ जी सर हाँ जी ठीक है जी ठीक है जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जिन्हें पंजाब प्रस्त लोग ने मैं कहना चाहे किसी पार्टी च हो जिहड़े पंजाब दा भला मंगदे ने पंजाब दी सुख मंगदे ने पंजाब दी तरक्की मंगदे ने पंजाब चों माफिया राज खत्म करके असली लोक राज लोकां दा राज ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਰਾਂ ਹਲਕੇ ਚੁਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 6 ਹਲਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆ 6 ਹਲਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂ 12 ਹਲਕੇ ਚੁਣੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੌੜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਭੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਚੌਥ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਵੇਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਰੂਰਲ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਰਬਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਮੈਂ 12 ਹਲਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਈਅਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਝੋਕ ਦਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ 24 ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 22 'ਚ ਲਿਖਣੀ ਹੈ 24 ਦੀ ਇਬਾਰਤ 24 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨਾ 24 'ਚ 24 ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਰਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇਬਾਰਤ ਵੀ 22 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਬਾਰਤ ਸਹੀ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਇਬਾਰਤ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਰੱਦ ਜੇ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਰੱਦ ਕਰੂਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਬਣੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਥਨੀ ਦੇ ਕਰਨੀ 'ਚ ਮੈਂ ਅੰਤਰ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੰਟਰਾ ਪਾਰਟੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਵਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਸੀਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਲਚਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੀਜਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਆ ਜਿੰਨਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਲਚਰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੜਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣ 'ਚ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਜ਼ ਇੰਦਰਾ ਐਂਡ ਇੰਦਰਾ ਇਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਕਿ ਮੋਦੀ ਇਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਐਂਡ ਭਾਜਪਾ ਇਜ਼ ਮੋਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣ 'ਚ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪ ਐਂਡ ਆਪ ਇਜ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈਸ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੇ ਸੁੱਤਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਲਾਇਕ ਵੀ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਵਿਆਕਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੋਹਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਹੈਗਾ ਹੈ MMK ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈਗਾ ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬੈਟਰ ਪੋਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟੀ
नहीं मैं इस तरह नहीं मैं इस तरह कमिट नहीं करता। पार्टी का अंदरूनी मामला जो पार्टी करूगी। सिद्धू साहब एक वफादार सिपाही ने एक योधे योधे ने यह पंजाब के भले वास्ते कुछ भी कर सकते हैं। देखो एस एस एम मेरा कोई डायरेक्ट मैं उन्होंने कोई अहदेदार नहीं है दामन का कोई नीति काड़ा है पर मैं इन्ना पता है कि जे पंजाब एक पासे फिरकू तिराने भाजपा नंबर एक भाजपा के पुराने यार अकाली नंबर दो भाजपा के नवे यार कैप्टन ते टींडसा तीन भाजपा के लुकवे यार कर अरविंद केजरीवाल इन्होंने घट्टो घट जी संयुक्त किसान मोर्चा को नहीं करूगी। सब ड्रामा सेगा जी एक इवेंट बनाई गई क्योंकि प्रचार हो नहीं सी रहा प्रचार का वो चौसरे दिल्ली रेंदे मैट्रोपोलिस असी पंजाबी भोले भाले है सानू इन्ना हाथ नहीं चलता कंप्यूटर के तेज मेरा नहीं चलता है मैं तो हूँ भी नकद पैसे दे के चीज लैके राजी है वो मेरे कार्ड जब मेरे को स्वैप ही नहीं होंगे कभी पर असी 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 पंजाबी है जे उन्ने दिल्ली वर्गे मैट्रोपोलिटन शहर जिन्हें तेज नहीं है उन्होंने को टीम है बहुत बड़ी भाजपा के बाद जे मीडिया सब तो वध एक्सप्लॉइट किया किसी ने मीडिया को वरत्या और जे जे ट्रोलिंग स्क्वाड बनाए है वो आम आदमी पार्टी हैगी है। नहीं खेरा साहब भी है दो मिनट तुम बोलो सर फिर मैं बोलता मैं गल करता मैं एक सैकंड ही लवांगा साहब मनजीत सिंह खेरा श्रोमणी अकाली दल के जनरल सकत्तर रहे है बड़े जाने पछाने हस्ती है जिदा डॉक्टर गांधी होना ने बहुत ही पंजाब की एक खूबसूरत साड़ी परसनैलिटी है उन्होंने सिद्धू साहब के हक च बोलिया ये भी अज सिद्धू साहब के हक च पार्टी पद्धर तो उपर उठ के सिद्धू साहब को किदा हमायत मिलनी है ये दो मिनट ये भी तुहानू संबोधन करनगे साहब मनजीत सिंह खहरा पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट भी हैं। देखो मैं 85 तो 97 तक श्रोमणी अकाली दल का जनरल सैकटरी रहा ऑथोराइज सिग्नेटरी सारा काम करता रहा 97 जाके मैं महसूस किया कि मैं इस सिस्टम च फिट नहीं होता तो पिछले 25 साल तो पॉलिटिक्स छड़ी हुई सी अज मैं सिर्फ इसलिए आया हाँ कि इस हल्के च नेकी ते बदी की लड़ाई है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ये लड़ाई जो भी तिलफुल हिस्सा पा सके हर एक का फर्ज है। 25 साल बाद पॉलिटिक्स च हिस्सा पाने लिए अज मैं सिर्फ इसलिए आया कोई ना मैं कांग्रेस का मैंबर हाँ ना सपोर्टर है ना कोई बनने की खाश है। अकाली दल 97 छड़ता सी पिछे मुड़ के नहीं देखा क्योंकि उन्होंने जो मैं 100% सहमत हाँ जो भाई साहब विस्तार नाल दसता थोड़ा टाइम खराब करना हो जो मैं वो रिपीट करी जावा सो मेरा तो इको ही लफज में सब कुछ है कि इस हल्के च ये फैसला होना है कि लोग नेकी चाहते आ कि जिन्हें ताकत ने बर्बाद किया पंजाब नू उन्हां नू मुड़ के लिया मेरी इन्नी गल इस तरह साहब के पहली गल तो ये घर मेरे लिए पुण्य स्थली है मेरे सज्जे पासे सरदार मनमोहन सिंह जी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ग्रैंडसन उन्हां दा घर उन्हां दा परिवार है मैं इन्हां तो बहुत वड्डी प्रेरणा लैना ही इज़ एन इंस्पीरेशन एन इंस्टीट्यूशन। दूजी गल मैं गांधी साहब नू किना अल्फाजा दे विच खहरा साहब नू धन्नवाद करा असी गांधी साहब नू ये कहा सीगा कि तुसी पटियाले इलैक्शन लड़ो उन्हां कहा नहीं मैं इलैक्शन नहीं लड़ना मैं विचारधारा नाल जुड़ के पंजाब नू सवारन दे विच अपना तिल फुल पाउणा मैं विचारां दा उपासक हाँ आई विल फॉलो द थॉट प्रोसैस एंड द प्लैनिंग द मॉडल पर सिद्धू साहब मेरी तेरे नाल कोई वो नहीं है सांझ मेरी सांझ तेरी पंजाब मॉडल दी है तेरे रोड मैप दी है मैं पहला पॉलिटिशियन देखा जिहदी चमड़ी मोटी है गेंडे वर्गी जिहड़ा भजिया नहीं जिहड़ा लड़दा रहा और मैं ये दावा करदा ठोक के कि जिहड़ा पंजाब मॉडल है इनकम की जिहड़ी गल है हरेक चीज़ की जिथे होड़ लगती है आई वॉन्ट टू बी सी एम जिथे टैलीविजन चैनल भी कहें
कौन बनेगा सीएम। मैं दावा करदा कि मैं पिछले 5 सालों तो एक एजेंडे दे उत्ते पहरा दिता, किसी सत्ता ते पहरा नहीं दिता। जड़े लोग अज 5 साल बाद सप्पा वांग बिलां चों निकल के आए है, जड़े उदों ड्रग माफिए नूं माफिया मंगदे हुंदे सी, समझदे नहीं, और अज कहिंदे ड्रग मुद्दा ही नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक नीतिबद्ध योजनाबद्ध प्लैन दिता कि आह पंजाब दी उसारी है, और अगर इस राह दे उत्ते चलदे आ ते पंजाब उच्चा हुंदा, और उस जगह दे उत्ते नवजोत सिंह सिद्धू स्टैंड लैके खड़ा रहा। पहली कैबिनेट दे विच लिकर नीति, अज लोगों ने उही दीप मल्होत्रिया नूं पौंटी चढ़िया नूं देती, समझदा नहीं मेरी गल। दूजा 1000 रुपये ट्राली रेता प्राइस फिक्स, अज तक प्राइस फिक्स नहीं हुई सी क्योंकि माफिया राज करता है। तय करो कि तुसीं रेगुलेटरी कमीशन केबल का बनाना, केबल के रेट 200 सवा 200 करने हैं, कंपीटिशन क्रिएट करना है। ये सुखबीर दी ये तो चिचड़ है, मैं तो झोटा मारना, चोर की मां मारनी, झोटा मरिया चिचड़ आपे मर जाना, चिचड़ है सहकते जानवर का पिसू है। मैं थोनों अज कह रहा, हो सकता मेरी भाषा खराब पर पंजाबी लोगों को यही समझ आती है कि वह जुझार जोड़ा अज इतने बैठा है इलैक्शन जिता वास्ते फंडिंग करता कि उन्हें कोर्टा दे जड़े केबल ओपरेटर से उन्होंने जहर दे के नहीं मरवाया, लोगों ने खुदकुशियां नहीं कीतियां कोर्टा दे विच, कि वो रेगुलेट नहीं होनी चाहिए कि 5000 करोड़ रुपया केबल का पंजाब नूं आना नहीं चाहिए, कि अज नौजवानों नूं परमिट नहीं मिलने चाहिए, कि कलस्टर बेस्ड डिवेलपमेंट नहीं होनी चाहिए, कि 5 लाख बंदियां नूं हर साल लख 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 50,000 तो 40,000 गरीब मजदूर BPL कार्ड होल्डर बनना नहीं चाहिए। ये प्लैन ये नवजोत सिंह सिद्धू ने दिता, वो पहरा दिता। नवजोत सिंह सिद्धू कदे भी सत्ता का उपासक नहीं सी, लेकिन अज पंजाब ने एक वड्डी चीज़ तय करनी, वड्डी चीज़ तय करनी है। मुख्यमंत्री तां बनूगा जे 60 MLA होणगे, कोई 60 MLA की गल नहीं करता, कोई ये गल नहीं करता कि सरकार किहड़े रोड मैप ते बननी है। इनू बना दो, उन्हूं बना दो, 500 बंदे हायर करके सरकारी पैसा ला के ऐ हो गया, ओ हो गया, फलाना हो गया, टमकाना हो गया, गालां कटतियां। कि नवजोत सिद्धू मुद्दियां दी राजनीति तो, मसलियां दी राजनीति तो हिलिया? कि नवजोत सिंह सिद्धू नीति पॉलिसी तो हिलिया? कि नवजोत सिंह सिद्धू बजटरी एलोकेशन तो हिलिया? कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने बिजनेस, अपनी खड, अपनी शराब की कोई दुकान खोली? नवजोत सिंह सिद्धू ने जो कमाउंदा सी, मैं कल्ला बंदा होऊंगा जिहदी इनकम करोड़ों रुपए कटी, करोड़ों, लेकिन मैनू यह संतुष्टि है कि वह इनकम कख नहीं, एक पैर रखो सेठ ते, दूजा पैर राजे ते, तीजा वजीर ते, कौन याद करदा? याद उन्हां नूं करदे जिहड़े समाज की जिंदगी नूं बेहतरी लई बदल सकदे। मेरा पंजाब का मॉडल उस पंजाब दे बच्चियां दी, पंजाब दे नौजवानां दी, पंजाब दे लोकां दी जिंदगी बदलन दा मॉडल है। इन्हां चोरां नूं नत्थ पाउण दा मॉडल है। ये चोर ऐं खड़ के देखणगे बाहां बन के, इसे करके इकट्ठे है चोर चोर मौसेरे भाई, इसे करके इकट्ठे है क्योंकि इन्हां नूं आपदियां दुकानदारियां बंद हुंदियां लगदियां ने, इन्हां नूं ये लगता कि पैसे खजाने चाहणगे डबल हो के ये वापस आउणगे। ये पंजाबियों ने तय करना है कि किस चेहरे ने इन्हू लागू करना है। ये करो कि 60 MLA कि नाँ के उत्ते बन गए, सब तो बड़ा सवाल यह है उदी नीति की है, उदा किरदार की है, उदी नैतिकता की है, कि माफिया का हिस्सा बंदा माफिया रोक दू? पिछले 30 सालों तो 2 मुख्यमंत्रियों ने यह माफिया चलाया, नक् थले कहिंदा 30-30 बंदे माइनिंग करते सी, कहिंदा मैनू बड़ा दुख है मैं उन्होंने सज़ा नहीं दे। तू सज़ा किवें दे? तेरे कमाऊ पुत सी, तेरे कमाऊ पुत सी, अफसरशाही सारा कुछ। यदि एक एक चीज़ की निजात है पंजाब मॉडल दे विच। पंजाब मॉडल नवजोत सिद्धू का नहीं है, पंजाब मॉडल नवजोत सिंह सिद्धू का अनुभव है। ये किसी दिल्ली बैठे का रिमोट कंट्रोल का अनुभव नहीं है, यदा प्रमाण यह है भी अज केजरीवाल भी दिल्ली मॉडल छड़ के पंजाब मॉडल, पंजाब मॉडल, पंजाब मॉडल कर लग गया। फोटो ये कहना नकली केजरीवाल फिर दे, मैं कहना नकली सिद्धू हो तुम, जाके फोटो स्टैट की दुकान के उत्ते अज उही चीज़। लेकिन नकल में भी अकल चाहिए, कितों 20,000 करोड़ रुपया रेते चो कढ़ेगा? शराब बोलता नहीं क्योंकि पौंटी चढ़े तो दीप मल्होत्रे नूं देती, हर चीज़ तो बिफर गया।
इस करके पंजाब तय करे, पंजाब तय करे इनू लागू कौन करू, वोटा उते पैनी के एजेंडा है किसानी दे उत्ते किसी ने अज तक एजेंडा दिता है, डाइवर्सिफिकेशन का किसी ने एजेंडा दिता है, जड़ा साडा वाटर लैवल घट गया उहदे उत्ते किसी ने एम एस पी की गल की है, ब्याह दऊंगा भाई येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीट्स के उत्ते लैके आऊँगा, आ गल की किसी ने, किसी ने कोऑपरेटिव की गल की है भी किसानों के हाथ देना, अमूल ने जिदा दिता है, वेरके ने जिदा दिता है, किसी ने गल की है भी भाई किसान के पांच रुपये के टमाटर पांच के क्यों विकते हैं, शाम को पच्ची के परचून की दुकान पर क्यों विक जाते हैं, क्योंकि वो कोल्ड स्टोरेज है नहीं। इस सरकार दियां जिहड़ियां नीतियां ने एक कोई एक महीना 25 दिन नवजोत सिंह सिद्धू ने नहीं, एक कोई आके एक महीना करन वास्ते नहीं, ये पिछले 5 साल और उदू पहला 10 साल ये लड़ाई उही सी। ते नवजोत सिंह सिद्धू ने अगर पार्टी बदली तो किसी अहदे लई नहीं बदली, अहदा छड के बदली आ चक राज्यसभा। तो मैं इस करके आ रहा भी मैनू पंजाब नाल लगाव है। उदू बाद मैनू यह कहा गया दिल्ली का फेस बनाने उत्थे रिफ्यूजल, फिर मैनू कहा गया आ वड्डी एक चीज़ दिने तुसीं इत्थों छड के चले जाओ, फिर आ जिहड़ा अज इत्थे तुरिया फिरदा आ लंडू पुच्छू समझ नहीं, ये बंदा वो है जिन्हें अरुण जेतली जी नूं बादल वड्डे दे कहण ते तुसीं की सोचदे तां टऊ है, ये तो मोहरा है प्रकाश सिंह बादल का, उन्हूं फिक्र है वह तृतराष्ट है, उन्हूं दुर्योधन की फिक्र है सुखे गापी की, तो मैं चिचड़ मारना तो झोटा मारूँ। सुन लो सुन 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 इनू यह फिक्र है भी किसी तरीके मेरे पुत्र तो ध्यान बाजे आ कुछ भैठिए जे नूं वार दिओ ये दोहें आप आपस उलझे रहेंगे, मैं कितने उलझदा ये यदा की औकात है, यदि कोई औकात ही है नहीं, यदि औकात यह है भी ये गन्ने तो गंढेरी मिठी गुड़ तो मिठा रला भाई तो भतीजा प्यारा सब तो प्यारा साला सुखबीर का, यदा होर कोई होर कोई क्वालिफिकेशन ही है नहीं, मेरी गल समझो। इस करके मैं उन्होंने ताकतों के मगर मैं उन्होंने ताकतों ना लड़ाई उन्होंने बन के खड़ा कर दूँ, क्योंकि यह सिस्टम ईमानदारा है, तुम्हें बेईमानी उत्तों शुरू हुई है तो थले गई है, तो जे तुम उत्ते ईमानदारी लिया किसी ने लियाओ तो थले तक ईमानदारी आओ। इस करके किरदार देखो 17 साल 15 साल 10 साल किहड़े लोग असुरक्षित सी, किहड़े लोग कहिंदे चाचा जी आ गया मार दू समझ नहीं, किहड़े लोग इन्ना घबराउंदे आ कि उन्होंने सत्ता तो अलावा कुछ दिखता नहीं। मैं अज तक किसी नाल निजी लड़ाई नहीं लड़ी, मैं अज तक मॉडल की लड़ाई लड़ी है, ये पंजाब मॉडल कोई भी अगर लागू करता है, मैं ये भी कहा कि भाई जे किसी को इस तो बेहतर मॉडल है मैं वो मगर तुरूँगा। मैं करतारपुर वेले भी कहा जो सरदार सुखबीर सिंह बादल ने कहा जी ये तो सरकार खिलाउंदियां ये कौन हुंदा खिलाउण वाला, मैं कहा तू मोदी साहब तो खिला मैं तेरे मगर तुरूँगा, इत्थे गुरु दा उह है, ये उदों भी भेडू लैके आए सी, ये उदों भी सुल्तान घोड़े ते इहनू किहनू चढ़ा के लियाए सी, ये सब नूं पता है। इस करके नीतियां मगर जाइए भाई, पंजाब मॉडल नूं अगे लियाइए भाई, और लोगों नूं नीतिबद्ध योजनाबद्ध तरीके दे नाल अगे ले जाइए। 60 MLA उह बणाऊगा जिहदे कोल रोड मैप होऊ ते लोगों का विश्वास होऊ, और सच गल ये है कि वह चेहरा तय करूँ कि 60 बनते हैं या नहीं। थैंक यू सर। तुसी हमेशा कहंदे हो पंजाब मॉडल दी गल करदे हो, सिद्धू साहब दे विच नशा खत्म करन दी गल कीती गई, दो हफ्ते कुछ होर काम है, दैट इज वेरी गुड, बट ओदा टाइम बाउंड किन्नी देर तक ए काम हो जाएगा। मैं तुहाडा बड़े अच्छे सवाल अज किन्नी वधिया तुसी गल कर रहे हो, वेखो भाजी जिहड़ी चीज 30 साल माड़ा करन नूं लगी और खैरा साहब ने की किया नेकी बदी, देखो उन्होंने सागर नूं गागर च पाया, इन्होंने की किया कि मैं सिद्धू दे विचार नाल जुड़िया होया मेरी कोई पार्टी पूटी नहीं है। मैं ये कहना कि जिस सूबे 30 साल लगे बिल्कुल बेहाली दे उस दे उत्ते, मैं कहना कि 2 तो 3 साल दे विच ये बेहाली तो खुशहाली की राह दे उत्ते तुरेगा, ठोक के कहना मैं। और मैं ये कहना कि एक भी बंदा सड़क ते नहीं होएगा धरना लाउंदा, ETT टीचर डॉक्टर जड़े आशा वर्कर पेंशन वाले पे कमीशन पहले दिन तो, और ये जड़ी सरदार मनमोहन सिंह दी इंस्पिरेशन क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट एंटरप्रेनर बनाना, औरतों को सम्मान देना 1100 रुपया 8 सिलेंडर फ्री, गृहिणी सम्मान देना, ये सब कुछ नौकरियां, इस पंजाब का सब तो वड्डा मुद्दा बेरोजगारी है, बेरोजगारी होर ते होर एनवायरमेंट पंजाब मॉडल का मुद्दा है,
फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फॉर स्पीडी जजमेंट्स जिहड़ी इन्होंने टालती, ये इन्ने लालची लोग ने, इन्होंने गुरु की बेअदबी कराती, गुरु के अंग खिलारते सड़कों से वोटों की पोलराइजेशन लई। अज शाम इन्हां नूं बंब दिखते हैं पंजाब दे विच। इस करके मैं इन्नी गल करदा कि तुसीं आपदा मुकद्दर वोट पा के बनाउणा है, याद रखियो। बाद दे विच इह ना कहियो फिर गलतियां जे कीतियां ते बाद दे विच इह ना कहियो कि कोई शरीफ आदमी अपना सब कुछ छड छड़ा के, अपना सब कुछ वार के, अपनी कुड़ी पुत्तर सारा वार के कोई इत्थे आ के बदलाव का सोचूगा। मैं इत्थे ही एंड करदा। फिर यह ना कहियो कि यार सातों गलती होगी। अज एको चीज़ करन दी लोड़ है जिहड़ी गांधी साहब ने कही, चंगियां नूं अगे लियाओ, पार्टियां तो उत्ते उठ के अगे लियाओ। और देखियो कि जदों तुसीं धर्म नाल खड़ोगे, धर्म की है, धर्म यह है कि परमात्मा उहदी कुदरत च वसदा है, उहदी कुदरत का भला कर दिओ। किरदार एक मिनट, किरदार यह है कि अपने नालों वध समाज का सेवा कर दिओ, सरबत का भला मंग लो। इहनूं किद्दां करोगे वह मैडल मॉडल दे दिओ, लोगों तय करा लो। ये चीज़ अज सब तो वड्डा मुद्दा होना चाहिए। मैं मसलियां तो नहीं भज्जिया, ये लंबू भी ये चीकां जिहियां मार के मौसमी डड्डू टर टर करके मुद्दों तो भटकाना चाहता, मुद्दों तो नहीं भटकेगा सिद्धू, कदे नहीं भट गया अज तक। मतलब चाहे भगवंत मान की शराब होवे रुसालम होवे। देखो एक गल बड़े ध्यान ना समझ लो, मैं तुहानू कहा ना मुद्दों तो भटकाण का हो है, समझ लो मुद्दों तो भटकाण का एक आलम है। किस तरीके प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो असेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो मुद्दे है उन्होंने किसी होर लंडू जी न्यूज़ के तब्दील कर, समझ लंडूआ ने लंडू रहना है, पंजाब ने पंजाब रहना है। ये मुद्दा पंजाब का भाई, पंजाब नूं अगे ले जाणदा है, जितेगा पंजाब है मुद्दा, जितेगी पंजाबी ते जितेगा हर पंजाबी, ये सारा कुछ आउंदा। सिद्धू साहब तुसीं पंजाब मॉडल, सिद्धू साहब होर सवाल करो। देखो पिछले 40-50 साल तो जो मुल्क आजाद होया, थोड़े अरसे छड़ के लगातार एक सैक्शन पाकिस्तान च है, एक सैक्शन हिंदुस्तान च है, जिहदी जिहड़ी सियासत है इस मुद्दे ते चलदी है कि दोनों लोगों के विचकार दुश्मनी ते नफरत की दीवार बधी रहे, कायम रहे। और एक कौमांतरी कुछ अदारे ने जिन्हां दे हथियार बिकते रहन, उन्हां इंट्रस्ट यह है कि कशीदगी लगातार कश्मीर नूं लैके भी ते इन हिंदू पाक संबंधां नूं लैके भी वह कशीदगी बनी रहे, वो बनी रहे। तो दोहे पासे दे इदां दी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैगियां सियासतदानां कोल, हिंदुस्तान वाले पासे भी ते पाकिस्तान वाले पासे भी, जिहड़ियां नहीं चाहदियां कि साढ़े दोनों मुल्कां दी शांति होवे, अमन होवे, तरक्की होवे, भुखमरी, कंगाली, बेरोजगारी, जिते दोनों मुल्कां दे करोड़ों करोड़ आवाम फसे हुए ने, और जिहड़ा बजट दा पैसा खत्म करके जां घटा के उन्हें लोगों की खुशहाली वास्ते लाया जा सके। एक बेस्ट इंट्रस्ट है दोनों पासे। मैं पाकिस्तान नूं बरी नहीं करता, मैं हिंदुस्तान की सरकार नूं बरी नहीं करता। एक एक 21वीं सदी नागरिक होने के नाते, एक विज्ञानी होने के नाते, एक समाज सेवी होने के नाते, मैं लगता है सियासत गलत हैगी है। दोस्ती, अमन, व्यापार ते शांति की सियासत ही लोकाई का भला करूगी। मैं एक छोटी जी गल तेरा जवाब देना, मैं कहना मैं छोटा जिहा जवाब देना फिर आखिरी सवाल लाने। देखो मैं इन सारिया चीज़ों तो उत्ते उठ के मैं किसान का सोचदा, वो मेरी पछाण है, मेरा नाम है, पंजाब जाने ही बाबे नानक दे किते तो है। ये बाबा नानक सानू किता दे के गया, किरत सभ्याचार वह दे के गया, किरत सभ्याचार की प्रकाष्ठा उन्हें उत्थे हलवाया। अज किसान ने भाई तुसीं आपदियां नीतियां चलाईयां, तुसीं झूठ बोले, तुसीं किसानां नूं कहा डबल इनकम, हाँ जी फलानी रिपोर्ट, ढमकानी रिपोर्ट, तुसीं 30 सालां च साहब मैं तुहानूं अज गारंटी दे रहा, इत्थों बोलदा नवजोत सिद्धू, तुसीं 30 सालां दे विच डीजल 25 गुणा करता, बाकी रेट 30 गुणा करते, लोगों दियां तनखाहां 300-300 गुणा वधातियां, ते तुसीं किसान दी MSP 30 साल च, मैं की कह रहा 30 साल च, मैं तेरा जवाब दे रहा मित्रा,
तीह साल तुसी 330 तो 1700 की कणक की मतलब 5 गुणा अज वो 1700 की कणक रख बार्डर के उत्ते मित्रा ते 3000 नू जाऊ रख बासमती 3200 की 7000 नू जाऊ इन्हों का प्यो लिया के दिखावे मैनू यही जी मार्केट तो जे एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन आई हैव ऑलरेडी बीन टॉकिंग थ्रू यू यू आर माई ब्रदर सेंड इट अक्रॉस थ्रू एंड थ्रू फीयरलेसली उपनिषदा चो बम गोले की तरह आने वाला अगर कोई शब्द अज्ञान के समूह नाश करने वाला निरपैता निरपैता आँदी है नैतिकता तो नैतिकता आँदी है ईमानदारी तो मित्र प्यारे कोई उंगल नहीं चुक सकिया इस करके कह के भाई जड़ा टमाटर इतने 5 रुपये वेदा उत्थे 50 नहीं टुटिया पंजाब खुशहाल क्यों सी पंजाब खुशहाल इस करके सी कि एशिया की सब तो वड्डी मंडी सी मजीद मंडी गुरु साहब ने बसाई महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हां दी लेगेसी अगे चलाई अज क्यों साडी मुकद्दरां दे उत्ते ताले लाते 20 रुपये का अदरक 150 तो थले नहीं आया 3000 की बासमती दिओ या तां तुसीं इह जी मार्केट तुसीं दिंदे हो अडानी नूं तुसीं इत्थों साडा माल जिहड़ा 20 किलोमीटर जाना चाहिए वह 2100 किलोमीटर अडानी दे पोर्ट ते क्यों जावे भाई वर्ल्ड वॉर टू हुई 1942 वर्ल्ड वॉर टू हुई तो वर्ल्ड वॉर टू तो बाद किस तरह यूरोप वापस आया बॉर्डर खोले ऐ रिकवरी हुई अज यूरो सब तो तगड़ा मैं अपने लिए कह रहा मैं उन्होंने कह रहा जिहड़े पासपोर्ट होल्डर ने वो पासपोर्ट होल्डर क्यों सफ़र करे भाई वो उत्थों लैके बंगलादेश तो लैके गुजरात तक कच्छ पेनिनसुला जिथों जिथों कोई बंदा व्यापार कर सकता है वो करे वो लाभान्वित होवे इकनोमिक प्रोस्पैरिटी अपने आप हुण कोरीडोर खुलिया 70,000 लोग जाके जफ्फियां पाउंदे आंदे जफ्फियां इन्हां नूं जफ्फी चुभदी है वो भाई पंजाब का बंदा जे किसी नूं प्यार हजार करेगा आओ भाजी जफ्फी पाइए पाउंदा कि नहीं पाउंदा इन्हां नूं वो भी चुभदी है सवाल इन्ना छोटे भाई कि लोगों की जिंदगी किस तरह असीं बेहतर कर सकते लोगों की जिंदगी बदलाव क्यों लिया सकता डिज़रेली द अमेरिकन प्रेजिडेंट वॉज आस्ड द क्वेश्चन फ्रॉम बाबरा वॉल्टर्स आई स्टिल रिमेंबर दैट इंटरव्यू शी सैड हाउ वुड यू लाइक टू बी रिमेंबर्ड मिस्टर प्रेजिडेंट एंड ई सैड वन लाइन जी बीजेपी ने चोरी की बाद चोर लै लेंदे वो लाइना लूना वो कहना आई वुड लाइक टू बी रिमेंबर्ड एज अ मैन हू मेड द डिफरेंस मैं क्रिकेट खेडी मैं कमेंट्रियां कीतियां मैं शो किते मैरिट ऑनर होंदी सी भाई मैं मोटिवेशनल टॉक्स कीतियां जिहड़ा बिरला टाटा है जिन्हें बुला के 25 लाख नहीं दते एक टॉक दे लेकिन वो लोगों को खुशी दे सकती सी वो लोगों को सेध दे सकती चुनी नवजोत सिंह सिद्धू ने पॉलिटिक्स सब कुछ छड के क्यों क्योंकि ए बाबे नानक ने फलसफे दे नाल लोगों की जिंदगी नूं बदल सकता है पंजाब नूं बदल सकता है खुशहाली की राह ते तोर सकता है पंजाब नूं एक ऐसा सूबा बना सकता है आई वॉन्ट टू सी पंजाब रीगेन इट्स प्रिस्टीन ग्लोरी वो ग्लोरी जिहड़ी सरदार मनमोहन सिंह ने बहुत खूबसूरती दे नाल इकोनमी नूं खोल के लियांदी मैं अज यही इल्तजा करते हुए अंत खहरा साहब की गल ना करदा कि ये लड़ाई ईमान ते बेईमान की है ईमानदार ते बेईमान आदमियों की है ये चोरां ठगां बनारसी ठगां जिन्होंने माफिया चलाए और पंजाब नूं बदलन वालियां की है नेकी ते बदी की है हराम ईमान की है चुन लो फिर बाद दे विच ना कहियो पछताइयो ना क्योंकि अज थोड़े कोल विकल्प ने और मैं तुहानूं अज कह रहा ये लीडर तय करेगा दो ही मुद्दे ने या तो वड्डा मुद्दा होवे मुद्दा माफी है या मुद्दा माफी है थैंक यू वेरी मच नवजोत सिंह सिद्धू इन्ना ही है इन्ना ही कह सकता है कि भाई जिहड़ा लीडर तय होएगा उहदी जिम्मेवारी होएगी वो जिम्मेवारी जिन्हों मिलेगी फिर वो पंजाब नूं जिवें बिंडी कढ़ी दी ना जिहड़े बंदे किसान ने उन्होंने समझ आती है कि जो हल फस जाता ना तो मोढ़ा ला के फिर बिंडी कढ़ी दी ठक देने वो उत्तराधिकारी होएगा बिंडी कढ़ण दा और सब तो वड्डी गल उहदे कोल एबसोल्यूट पावर ओवरराइडिंग पावर है ये समझ लो कि एक पिरामिड है ताकत का पंजाब उहदे उत्ते जिहो जिहा बंदा बहा दोगे ये पिरामिड उहो जिहा हो जूगा याद रखियो चोर बहाए पंजाब बेहाल कंगाल हो गया एक ईमानदार बहा दिओ ऐतकी दूरन देश विजन वाला बंदा बहा दिओ गरंटी दिंदा 3 साल दे विच पंजाब खड़ा होएगा थैंक यू वेरी मच देखो मेरी एक गल सुनो एक बड़ी सिंपल जी गल है साड़ी हाई कमांड परिपक्व है
निर्णय उन्होंने लेना। सो मित्रा जिथे निर्णय उन्हें लेना है तुम एवं क्या सराइया क्यों लाई जाने भाई? मेरी गल सुनो, मेरी गल सुनो ना यार, ये तो तुम पुछो लोगों लोग दसणगे, मैं थोड़ा दसूंगा। पर तुम ये ना कहो अगर ए हो गया अगर अ हो गया गेहूं खेत में, वो भाई सुन ला लास्ट चेंड कर रहा, ए होजू ओ होजू अगर गेहूं खेत में बेटा पेट में तुम ब्याह की तैयारी करते। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।